बागी विधायक जो गुवाहाटी में मौजूद है उसमें दीपक केसरकर जुड़ चुके हैं। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स टाउन ऑफ भारत पर आपका। नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये जो बातें सामने आ रही है कि कौन शिवसेना है, असली शिवसेना और नकली शिवसेना की, 12 विधायकों को सस्पेंड करने का लेटर डिप्टी स्पीकर के पास है, अगर ये सस्पेंड कर दिए गए क्योंकि पहला लेटर तो उनके पास से पहुंचा है, तब स्थिति तो कुछ और हो जाएगी सर। देखिए, देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जी, नेचुरल जस्टिस होता है जिसका प्रिंसिपल सबके लिए लागू होता है। आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप उनको सुनने का अवसर नहीं देंगे। यू मस्ट कॉल देम फॉर अ हियरिंग एंड देन ओनली यू कैन टेक अ डिसीजन। यू कैन नॉट डिस्क्वालीफाई अ पर्सन हु इज बीइंग इलेक्टेड बाय लाख्स ऑफ पीपल लाइक दिस। एंड दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आई कैन से दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर एज पर लॉ एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। यू आर जस्ट लाइक यू नो इट इज लाइक वर्किंग ऑन स्ट्रीट्स सराउंडिंग माई कार। इट इज नॉट दैट सिंपल। द कोर्ट्स आर देयर, दे विल स्क्रैच इट इन 1 minute। Because unless you are giving an opportunity of hearing to the people whom you are disqualifying, how you are going to disqualify? First, you should have tried to see that 2/3 MLAs don't go together. You could have requested them, but once they go together, it is their constitutional right to form their own group. So you cannot deny them of their right. And this kind of practice is just to see that don't happen. लेकिन दीपक जी, खुद उद्धव ठाकरे ने आप लोग सबको बुलाया था, खुद एकनाथ शिंदे को कहा था कि आकर बात करें, लेकिन उस वक्त एकनाथ शिंदे भी नहीं गए और गुवाहाटी चले आए। अगर बात करें उद्धव ठाकरे की, तमाम चाल बताई जा रही है सर। मैं आपको पूछूं क्या बात करें। मैं जब आदित्य साहब के कार से उतरा, 150-200 लोगों ने मुझे मेरी कार को घेरा था, उसके बाद मेरी कार को फॉलो किया था। मैंने बोला था उनको फोन करके कि आप अगर ऐसी टैक्सेस करेंगे तो मैं उसको ये नहीं करूंगा। ये घटनाक्रम कब हुई सर, जब 150-200 लोग आप बता रहे हैं आपकी कार को घेरा था, आपको रोकने की कोशिश की गई? जब मैं आदित्य साहब के कार में बैठा था जी, और जब मैं वहां से उतरा तो ये घटना हुई। उसके बाद मैंने उन लोगों को भी बोला, मैं उनसे डरा नहीं, लेकिन एक संजय हमारी लेडी एमएलए तो उसका हाल क्या हो जाएगा। मैंने उनको बोला कि आप लोग, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की गई? 200-200 लोग आपको घेर कर थे, आपको डराने धमकाने की कोशिश की? बाद में मैंने उनको खुला बोल दिया कि अगर आप ये टैक्टिक्स करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, और मैं वहां से निकल के आ गया, ओपनली निकल के आ गया, मैं बोल के आ गया। क्या स्टेट ऑफ माइंड रहेगा फैमिली के लोगों का आप ऐसी बर्ताव करेंगे तो? सर, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको धमकाने की, डराने की कोशिश की गई? हाँ बिल्कुल। और मैंने ये बात अनिल देसाई साहब को फोन करके बोल दिए कि मेरे कार को फॉलो किया जा रहा है मेरे घर के बाहर, जबकि मेरी वाइफ बीमार है। आज मैं जब यहाँ आया तो मैं अरेंजमेंट करके आया उनके लिए, मेरी वो लड़की को मैंने बुला लिया अपने घर में, तब मैं वहां से निकल सका। उस दिन तो मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था, तो मैंने जो खत लिखा कि मेरी वाइफ बीमार है, तो डॉक्टर है ना उसको ट्रीट करने के लिए, वो क्या बोले कि आप ऐसे लोगों के साथ जाओ जो आपको धमका रहे, वो आपके कार को सराउंड कर रहे, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? शी कैन डू एनीथिंग, शी मे कमिट अ सुसाइड आल्सो। सो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गो। एंड मिस्टर प्रभु, ही इज वेरी क्लोज टू मी, सेंडिंग मी अ लेटर दैट योर कॉजेस आर नॉट करेक्ट, गो टू माय डॉक्टर, आस्क हिम व्हाट इज हर स्टेट ऑफ माइंड। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह के आरोप दीपक के सरकार लगा रहे हैं कि उन्हें डराया धमकाया गया, 150-200 लोग जो है उनके कार को घेर कर खड़े थे, और आदित्य ठाकरे से उन्होंने ये बात भी कही थी कि इस तरीके से आप हमें डरा धमका